बकायेदारों व अवैध कनेक्शन वालों के खिलाफ गली कूचों में उतरे विद्युत विभाग के अधिकारी। विद्युत बकायेदारों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए आज अधिकारी व अधीनस्थ सड़कों से लेकर गली कूचों तक घूमे। अभियान की शुरुआत चिपिया बाट से शुरू की गई। इस दौरान घर घर मीटर की चेकिंग करते हुए अधिशासी अभियंता सुभाष चंद ने बताया कि शासन के आदेश पर बिजली के एक माह तक बकायेदारों से अपील की गई है कि वह नियमित रूप से बिल जमा करें, जिससे बेहतर बिजली सेवा मिल सके। बताया गया है कि बड़े बिजली बकायेदारों अवैध रूप से कनेक्शन चला रहे या कटिया डाले हुए या लाइन में कट लगाकर बिजली का दुरुपयोग कर रहे लोगों को चेतावनी दी गई। यदि ऐसा करते मिले तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकायेदारों से अपील की गई है कि वह अपना बकाया एक मुश्त या किस्तों में करें, अन्यथा उनके संयोजन काट दिए जाएंगे। इस मौके पर GT2 संदीप कुमार व संविदा स्टाफ मोहित पटेल, मुकेश खरे, महेश चंद्र, दिनेश, अजय, अनूप पारासर आदि मौजूद रहे। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। आज किस चीज की चेकिंग हो रही है सर? ये चेकिंग इस चीज की हो रही है कि जिनके ऊपर बिल बकाया है उनकी चेकिंग हो रही है कि बिजली के बिल जो लोग बिना जमा कराए अपनी बिजली चला रहे हैं तो उनसे उनकी चेकिंग हो रही है कि भाई जिन पे बकाया ज़्यादा है उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिन पे यदि एक महीने का भी बकाया है उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि तुरंत बिल जमा कर दें, क्योंकि आज के समय में बिजली का पैसा सरकार जो आ रही है, सरकार पहले पैसा दे रही है तब बिजली मिल रही है, ठीक है ना। अब बिजली देने के लिए कंज्यूमरों को बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर पैसा जमा करें। सर कितने बाटों में चेकिंग हुई है? उसी अभियानों में निकले हुए हम लोग और कल से हमारा अभियान चल रहा है, पहले भी चलेगा और ये अभियान 30 तारीख तक जारी रहेगा। और जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? जो जमा नहीं करेंगे कनेक्शन उनका काट दिया जाएगा, और बिना बकाया जमा कराए अनाधिकृत रूप से यदि वो जोड़ के चलाते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा अनुरोध है, लोगों से अपील है कि भाई जिनके पास बिजली का बिल बकाया है वो अपना बिल बकाया जमा कर दें तुरंत। कल संडे का दिन है, फिर भी हमारा ऑफिस कार्यालय खुलेगा और आप वहाँ जाके बिल जमा करा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग, मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं कटिया डाल करके या केबल में कट लगा करके या बिना कनेक्शन के बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अवैध वैध कनेक्शन लेकर के तभी बिजली का प्रयोग करें, नहीं उनके खिलाफ भी FIR की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग निकले हुए हैं इसी अभियान में क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बकायेदार हैं, लगभग 6,000 से ज़्यादा बकायेदार हैं बहुरानीपुर में, जिनको कार्रवाई करनी है। शासन की बहुत स्पष्ट नीति है कि जो बकाया जमा नहीं करेगा उनका कनेक्शन काटा जाए, तो उसी अभियान में निकले हुए हैं और ये अभियान जारी रहेगा हमेशा। और जो भी पकड़ा जाएगा चोरी करता हुआ या अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग करता हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकाया जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ रिकवरी निकाली जाएगी, फिर 10% और हम इनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और उनके घर की कुड़की भी हो सकती है। तो यही बार बार अपील है कि भैया अपना बिल जमा कर दो और फिर मस्त बिजली का इस्तेमाल करिए।